Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing Elden Ring. Hermit. इसके पास रूनार की है, ये वाला एक है प्रॉफिट ब्लाइंड फोल्ड, डैमेज निगेशन भी है इससे, परफ्यूम बॉटल। गोल्डन एरो, गोल्डन ग्रेट एरो, काम का चीज कुछ रहेगा नहीं इन लोगों के पास, बेचना तो नहीं है। मैंने इधर एक बॉस भी देखा था, इधर क्या, बस यही है, कहानी खत्म। मुझे नहीं लगता ये दरवाजा खुला हुआ है। अबे इधर से तो मैं ऊपर आया, अबे गांडू। स्मिथिंग स्टोन 5 दे रहे ये लोग, ऐसी पड़ा हुआ है। अच्छा यहाँ पे जो बॉस है, मुझे नहीं लगता कि उतना इजी होने वाला है ये बॉस। मैंने उधर राइकार्ड को भी छोड़ दिया, नहीं मारा। पता नहीं राइकार्ड का लेवल तो ज़्यादा ही लग रहा था मेरे को, इसलिए मैं गया ही नहीं उधर। विंड क्रिस्टल टियर, अब ये क्या है, स्कल के जैसे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ और भी था ना जब मैं पहली बार इधर आया था, अब नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अभी 1,12,000 है ना, और मुझे सच में ये 1,12,000 नहीं कमाना है। ग्रेस में भी कैसे पड़ा हुआ है रास्ते पे, सही है भाई। ये भी कोई बड़ा फाइट का कोई मैसेज वैसेज होगा इधर। द सेकंड डिफेंस ऑफ लैंडल द फेल ओमन स्टैक हाई, आर्ट्री तो है ही, उसमें ये बिल्डिंग का पूरा ये बना हुआ है। Thank you.
इधर ही कहीं पे था ना वो, श्री अख्तर को मारना होता है, यहाँ पे पड़ा हुआ है फ्री में, दो दो मिली है भाई। इधर से ऊपर जाने का रास्ता तो नहीं है, साइड से कुछ ट्रेनर्स ले लूं। इसीलिए मैं जब भी कोई बॉस देखता हूँ उसको पहले मारने का कोशिश करता हूँ, तो पता नहीं साला कब मिले उसके बाद। देखो गॉड्स के डुओ को अभी अगर फाइट करने गया मैं शायद नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा, शायद हो जाएगा पता नहीं। मैंने बहुत लोगों को 200-300 लेवल पे भी, अरे यहाँ पे बॉस फाइट है इसीलिए तो ये दिया हुआ है समनिंग पूल, लेकिन किधर है वही तो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं इधर छोड़ के गया था कि बाद में करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, फिर सारा दिखेगा तब मैं करूँगा। यार शायद इधर ही है, यहाँ पे इन तीनों को तो मैंने मारा भी था। ओ इस तरफ था क्या? मैं तो ग्रेस ढूंढते हुए उधर पहुंच गया था। हाँ इधर ही था। अभी एक चीज है, अच्छा हम लोग इसको बुला सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड समन साइन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरे को भाई विदाउट समन करना है। मेरे को मतलब ये खोना भी नहीं है, साढ़े 7। सब रख के करूँगा क्या मैं, कभी ना कभी तो यूज करना ही है ना। एक लाख 30-34, अभी और ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पर 10,000 नहीं, 12,500, 1,46,000, वेरी क्लोज। एक सेकेंड, वही 156, 10,000 चाहिए ना। छोटा छोटा यूज करता हूँ पहले ये सब। साला
प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे ग्रेस मिमिक तो है नहीं, तो जहाँ पे ग्रेस मिमिक था वहाँ पे वापस चलता हूँ। आउटर वर्ल्ड ये हर्मिट शैक चलता हूँ, यहाँ से अपग्रेड करके फिर हम लोग चलेंगे इसको मारने के लिए। देखता हूँ छप्पन इसको गो स्ट्रेट। टू गो फॉर दैट अर्थ ट्री इज क्लोजर टू दैट अर्थ ट्री। थोड़ा तो चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये एकदम नज़दीक भी नहीं है। और मेरे को ये भी मिला है कि मतलब फेरा मजूला में एक ड्रैगन है। I hope that dragon will be merciful to us and give us the final somber smithing stone to get my this sword to max. मैं काम करता हूँ पहले, ठीक है? यहाँ से देखता हूँ भाई, इसको हटा और इसके इधर एक्सबो लेता हूँ पहले, ठीक है? ट्राई करके देखने में क्या जाता है। ड्रैकोनिक ट्री सेंटिनल, बाप रे कहाँ तक मार रही है। I got greedy but it's alright, I got the damage. Holy shit man, this guy hits hard. Come on stamina. Oh, I got a good hit. My horse is pretty low. साला क्या कोना में फाइट करेगा इधर आ? चाहिए।
अबे भाग। बचा में एक घोड़ा का पैर उठा देता है और लाइटनिंग डैमेज देता है। खत्म खत्म बेटी तो खत्म। ड्रैगन ग्रेट क्लॉ, ड्रैगन क्लॉ शील्ड, ड्रैगन ग्रेट क्लॉ, ये क्या चीज है बे? ड्रैगन क्लॉ शील्ड तो समझ में आ रहा है, लाइटनिंग डैमेज से ही बचाएगा। व्हाट इज दिस ड्रैगन क्लॉ, दिस थिंग ड्रैगन ग्रेट क्लॉ, एक बार देखता हूँ। तो अच्छा 60,000 दिया भाई यहाँ से, थोड़ा बहुत एनिमी में ट्राई करके देखूँ। सामने एक उसको पहले कर लेता हूँ। सो यू कैन सी आई एम इन आउटस्कर्ट्स ऑफ वोल्केनो मैनर, विल गो फॉर द ड्रैगन इन कारामाज़ोला। आई नीड टू अपग्रेड माई सोर्ड टू द मैक्सिमम लेवल। Rest here. 60,000 runes is not bad. इसको ट्राई करूँगा छोटे मोटे एनिमीज पे, यहाँ पे नहीं करूँगा। अगर मर गया तो कहानी खत्म। ढूंढता हूँ और कोई ग्रेस मिलता है कि नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे। I literally have like very little hopes of finding a good weapon here, but I don't know, maybe I will. Yeah, like when I fought the first boss, I was literally scared because this is my first time playing Elden Ring. Not first time playing Souls game, but people say that Lies of P is like the worst Souls game ever. Not a good Souls game, but I found that Souls game is pretty hard. Yeah, and I learned that from Ivory, because that was literally my first Souls game. But after fighting the first boss, I was a little bit relieved that this game is not that hard after you level up quite a bit. Okay, I will just use this grace. So we got this East Capital Rampart. Oh, whoa, we can go to Divine Breach from here, I think. Let's try. This is the Lendil Royal Capital. Oh man, is that a straight way? Does not open from this side. I'm pretty sure I have to go this way. What are these things? Oh, this is moving. I'm 100% sure it will attack me once I go down or something, or go closer.
शिप ऑफ व्हाइट फ्लैश। Not a good thing. I can feel that. Holy shit. This guy spews fire and his range is look at this fucking range on this guy. Places on that side I should go, but first मेरे को लगा ही था कि साला अंदर कोई ना कुछ छुपा हुआ है या फिर ऐसे कुछ चीप मौज दे रहा है यहाँ पे। तो नीचे से घूम के आओ वो थोड़ा बेटर है। अरे ये क्या दे रहा है यार, कैसा ग्लिच है ये। इज इट टेकिंग मी डाउन? ओके इट्स टेकिंग मी डाउन। देख के समझना पड़ेगा यार कि कौन इनमें से जिंदा है कौन मर गया। नाइट देयर ओ इज दैट अ आई डोंट थिंक सो। ये लोग ऐसे क्यों बैठा हुआ है? लगता है कुछ दुख का खबर सुना है इसीलिए ऐसे बैठा हुआ है। बहुत बड़ी दुख की खबर है। बाहर जाने का रास्ता है भाई, बहुत बड़ा जगह है। सबको मार मार के चलो क्योंकि चिंता मत करो मैं 76,000 ऐसे नहीं खोने वाला। फिर से उसी रास्ते जाऊंगा, फिर से जाऊंगा, फिर से उसको मारूंगा, फिर से उससे लूंगा। इधर से जाना था ना, ये रास्ता बंद था। अगर मैं पहले वाले को छोड़ भी देता हूँ, अच्छा इन लोगों को अगर इग्नोर मारता हूँ मैं, देखता हूँ इग्नोर मारने से क्या होता है। ये लोग एक तो अटैक कुछ मार रहा है लेकिन मैं फुल इग्नोर मार देता हूँ इन लोगों को।
ठीक है। ये डैमेज देता है यार, चूतिया नाइट मेरे को मार दिया। साला बाहर वो क्या ड्रैगन कुछ और ट्री ड्रैगन कुछ ट्री सेंटिनल था, उस साला कुछ नहीं उखाड़ पाया, ये साला मार दिया मेरे को। बहुत ना इंसाफ ये, इसको खुजली है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। नीचे भी जा सकते हैं क्या? नीचे भी जा सकते हैं, इधर सीढ़ी भी है, तो मैं ये सब इग्नोर करके इधर आया था और ये हरामी का पिल्ला मेरे को ही मार डाला। अरे ये तो कोई अलग रास्ता है, और मैं इधर गया था ना। भाई 75,000 ले लो, यही है भाई सोल्स गेम का, यही है 70,000। तुम देख रहे हो अभी मेरे मेरे साथ बहुत हो गया है सब, पहले भी आई हैव लॉस्ट लाइक एटलीस्ट 3 to 4 lakhs मे बी मोर। अरे ये तो 441 देता है यार, एक रुको एक सेकंड। हाँ मैंने गोल्ड स्क्रैप लगाया हुआ है इसलिए 441 मिल रहा है। इट्स लाइक अ इजी लेमन स्क्वीजी, don't try to go head on with this guy, there is another path over here, smithing stone fort। इसमें 3-3,500 मिलता है इससे, नहीं मैं सबको मारते हुए जाना है, नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। और नेक्स्ट ग्रेस मिलते ही मैं कुछ
रिपीटेड अटैक की भाई, इसका क्या अटैक है ये, छक 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 मारता है और भाई हेल्थ का मागन हो जाता है। ए यार, मेरे को कुछ और मिट गांडू का बच्चा तर से ये छोड़ के जा रही है हम लोग। अबे यार, बूस्ट फायर अटैक और अरे ये नहीं रे। अच्छा ये क्या था, इक्विप लोड मिक्स्ड फिजिक। अच्छा ये भी नहीं चाहिए। अरे मैं बोल रहा था मेमोराइज स्पेल भी नहीं, कहाँ गया ये। हाँ इसको रहने देता हूँ, इसको हटा के साला बहुत तरपा रहा है मेरे को, सच में यार बहुत तरपा रहा है। पहले गया 75,000, उसके बाद गया 8,000, उसके बाद गया फिर से 16,000। अभी मेरे को और नहीं गवाना यार। मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गवा चुका हूँ मैं। मार रहा है बार बार, इसका पहले शील्ड तोड़ रहा हूँ फिर भी साला ये मार दे रहा है मेरे को। लगभग 4,000 देता है ये बंदा। ना मुश्किल से तो आगे बढ़ा था यार। मैं वही ना, मैं वो सब में बिलीव ही नहीं करता है। फेथ आर्केन, हाँ आर्केन में देखो, आर्केन में क्या होता है, ब्लड लॉस। इफ यू आर यूजिंग लाइक ब्लड लॉस आइट वेपन्स, आर्केन इज प्रीटी गुड फॉर यू। आर्केन इज लाइक द बेस्ट वेपन फॉर यू, सॉरी आर्केन बिल्ड इज द बेस्ट वेपन फॉर यू इफ यू आर लुकिंग फॉर ब्लड लॉस। इस बार तो ऊपर जाऊंगा ही जाऊंगा साला, बहुत हो गया। ऊपर जा ही नहीं पाता, उससे पहले हरामी का बच्चा मार देता बार बार। अब एक चेस्ट है, परफ्यूम बॉटल मिल रहा है यहाँ तक।
कुछ अच्छा देने का कोई मन ही नहीं है इन लोगों का कुछ। सीट बेल्ट पर्स क्या चीज है भाई। दो मेरा पर्स ग्रोन ऑन ए बॉडी डिफाइल्ड बाय द डंग ईटर। अच्छा ये लगभग मतलब थ्रोएबल्स जैसा कुछ है शायद। सब साला हरामी को अच्छा है। तो मिल गया कॉर्नर में आप काम आएगा चूतिए। अपर क्लास रो मैं अपर क्लास लोअर क्लास को ये भी होता है क्या। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे मतलब इधर से मार दिया यार। इसका क्या करूं मैं यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अभी एक ही जगह में ये मात्र जात का बच्चा साला लंड का पहलवान चूतिया मादर चोत का बच्चा, मतलब इतना बड़ा मादर चोत है ये। इसके लिए मुझे मतलब ये फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मेरा दिमाग इतना गर्म हो रहा है अभी। कांड मरा है यहाँ पे 700-800। मेरे को उसको मारना है और उसको मतलब मारना मतलब छोड़ना है उसको। मैं मतलब कुछ कर नहीं रहा हूँ, मतलब ये लोग तो लग रहा है कि भाई ये तो आ गया, लेकिन ये अच्छा एक ग्राइंडिंग स्पॉट है भाई। मैं देख रहा हूँ कि इतने से जगह में आराम से 9-10 हज़ार हो जा रहा है आराम से। ये लोग कोई बड़ा एनिमी नहीं है, बहुत आसान है मारना है कि नहीं। इन लोगों को इग्नोर मारता हूँ मैं। इसको 4 हिट मारना पड़ता है अभी ये वेपन से। मतलब सोच रहा हूँ ये मतलब छोटा मोटा बॉस हो गया भाई। मैं 4 हिट कब मारा था लास्ट किसी छोटे मोटे आदमी को? कभी नहीं मारा था। 4 हिट में इन लोगों का किंगडम कम हो जाता है।
पूरा किंगडम का मौत हो जाता है ऐसे बेटी चोदों का। लेकिन ये बड़ा बेटी चोद है, छोटा छोटा मोटा बेटी चोद नहीं है ये। ₹1500 के लिए इतना मेहनत? ओह अच्छा, यहाँ से निकलता है ये झाटू। ये उस तरफ घूम के है क्यों? दरवाजा नहीं खुलेगा क्या? तो मैं इधर क्यों आया? Michaela's lilies abundant in this region. Maybe I need something else. Then I have to come back here. इधर नीचे जाने का रास्ता है। ये फ्रॉम सॉफ्टवेयर का ही है भाई टेक्निक, मतलब तुमको दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है, हाँ यहाँ पे कुछ है। तुम जब जाओगे तो उस आइटम को बस लेने लगोगे, तभी तुम पे कोई अटैक कर देगा एंड देन योर डेथ इज नॉट दैट फार। एक बार देखता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, जगह तो बड़ा है भाई। ओल्ड फैंग इसको फुल फ्रंटल फाइट में हराना बहुत मुश्किल है। फाउंड ग्रेस जो मैं चाहता था। ये लाइट ऐसे क्यों हो रहा है? अरे अंधेरा सुबह आना बंद होगा भाई। पहले इस नाइट को मारना है मेरे को, कहाँ पे देगा पता नहीं, मैंने रेस्ट नहीं किया था। ये अंधेरा अंधेरा बार बार क्यों जा रहा है आ रहा है यार? और मैं आधा रास्ता जाते ही साला ये कहाँ से टपक पड़ा हराने का वाला? साला पीछे से मारे हुआ।
भाई मैं तंग आ गया इस जगह से, पर्टिकुलर जगह से। मेरे को विगर बनाना पड़ेगा, अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी एरा गैरा मार दे रहा है, एरो बो लेके मार दे रहा है यार। कोई भी एरा गैरा, कोई भी चुतियाँ, कोई भी मादा चुत मार दे रहा है यार। ऐसे थोड़ी होता है। अबे ये कौन मार रहा? शार्ट का बाल। ऐसे कर रहा है जैसे इसके पास कोई लेजेंडरी वेपन है। तो कुछ नहीं, भाई कहाँ लेके जा रहा है? I have no fucking idea। प्लीज मत बोल कि कोई बॉस फाइट के लिए ले जा रहा है। और कोई रास्ता नहीं दिखा मेरे को उधर। गिव मी अ ग्रेस, आई वांट टू गो बैक। मैं तो ये गेट खोलने के लिए, भाई मैं गेट खोलते खोलते लगता है 3 बार सुसाइड कर लूंगा। ग्रेवल स्टोन कब से ऐसा है? रून, ओ मतलब ये मिला। बाप रे बाप, यहाँ पे रेस्ट रेस्ट रेस्ट। नीचे बॉस फाइट है 100%। क्या है भाई वो? तो एकदम ब्लैक ब्लेड ऑफ किंड्रेड जैसा लग रहा है देखने में। मैं उधर तो गया ही नहीं। चीन सोड ये व्हाइट कलर का है तो थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम हो नहीं है। भाई मैं थोड़ा कम खाना खा के साइड से ओके। सो आई सी
guy is really powerful. एक हिट और मैं खत्म। भाई कितना स्टैमिना चाहिए होता है इसको मारने के लिए। लेवल कौन सा लेवल चाहिए यहाँ पे आने के लिए? मेरे को तो समझ में आ रहा है लेवल, अपना औकात दिखा रहा है ये, मतलब मेरा औकात समझ दिला रहा है। मैं घोड़ा भी नहीं बुला सकते यहाँ पे। वाह बेटा वाह, बढ़िया। तो यहाँ पे ऊपर जाने पे शायद कुछ तो है, लेकिन मेरे को जाना था कहीं और। भाई घोड़ा क्यों नहीं बुला पाता इधर? इधर नीचे भी बहुत कुछ होगा। ग्रेस तो मिला नहीं। ले जाता है अपन को। क्या उधर जाना है? मैं यार बहुत आसानी से खो जाता हूँ इस जगह पर, बहुत ही आसानी से खो जाता हूँ मैं। नॉर्मली अगर कोई एनिमी अंदर है तो वही कुछ लूट भी रहना चाहिए, लेकिन नहीं। फ्रॉम सॉफ्टवेयर बताता है कि लूट तुमको तभी मिलेगा जब तुम ऐसा फाइट करोगे। तुम फाइट नहीं करोगे तो तुमको लूट नहीं मिलेगा। देखो इधर कोई कुछ है ही नहीं। इतना बड़ा बड़ा क्या बना के रख दिया है। जाना तो मेरे को ऊपर ही पड़ेगा मेरे को लग रहा है। एक बार जाके देखो क्या क्या है ऊपर। तेरी कमी थी तू भी पूरा कर ले। ये तो राउंड टेबल वाला जगह है ना, यहाँ पे सब हीरोज रूम मिला और एक सब कोई राउंड टेबल छोड़ के निकल गया क्या?
मैंने यही जगह मार्क किया था। अच्छा नीचे एक बॉस फाइट है, वो लाल कलर का दिख रहा है। ये वो जगह नहीं है भाई, ये राउंड टेबल, हम लोग का राउंड टेबल नहीं है। अपना राउंड टेबल तो यहाँ है ना, टेबल ऑफ लॉस्ट क्रेस। लेकिन ये एकदम अपना राउंड टेबल जैसा दिखता है। ये सीट बिटकर्स मेरे को तीन मिला ही है, लेकिन आई हैव थ्री ऑफ दिस नाउ। सबसे बड़ा बात, अगर हम लोगों का राउंड टेबल होता पहले तो वहाँ पे वो ग्रेस रहता जो नहीं है। टू फिंगर वाला लेडी भी मेरे को नहीं, अरे यार मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, टू फिंगर वाला लेडी भी नहीं दिखा मेरे को रास्ता। हाँ ये पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। कोडेड सोर्ड, होली डैमेज है और क्रिटिकल डैमेज है, फेथ चाहिए यूज करने के लिए। मेरे को बस घूम के इस साइड से जाना है, डिवाइन ब्रिज के नीचे जो लिफ्ट है लिफ्ट को ऊपर भेजना है, लिफ्ट नीचे है, मैंने पहले भी दिखाया था। तो यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है ना। पहले तो मेरे को सोचने, तो मैं आया किधर से था भाई, ये रास्ता बहुत ज़्यादा पीछीदा है, मैं इधर से आया था ना लग रहा है मुझे। नहीं बे, मैं जिधर से आया था वो जगह एकदम स्मिथ वाला जगह जैसा था, जहाँ पे हम लोग स्मिथ स्मिथ बैठता है, तो ये वाला था नीचे जाने वाला जगह, ये वाला था ना, मैं इधर से आया था। नीचे भी जाके देख लेता हूँ एक बार। अबे ग्रेस एंड ऑल्सो पिक्चर बर्ड। यहाँ पे सेव कर लेता हूँ क्योंकि उसने मेरा बहुत हेल्थ खाया भाई, वो हरामी का पिल्ला जो भी था, पूरा हेल्थ चाट लिया मेरा। यहाँ पे हम लोग कभी भी आ सकते हैं, मैंने अंदर का ग्रेस एक्टिवेट कर लिया है। मुझे जाना तो ये वाला क्या है, नहीं ये दरवाजा नहीं है, अरे दरवाजा उधर था ना यार, लेकिन दरवाजा उधर खोल नहीं रहा था। कौन होंगे भाई, कुत्ते? अबे बहन छोड़, फिर से मैं बेड बन गया यहाँ पे यार, फिर से बेड बन गया यहाँ पे। ये अभी लाइटनिंग डैमेज वाला देना पड़ेगा, फायर डैमेज वाला लेके मैं खेल रहा था।
अच्छा नहीं लग रहा है, इन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लाइटनिंग डैमेज ले लेता हूँ अभी। इसको करने से पहले मेरा लेके आता हूँ ना भाई, उधर तो खा गया वो हरामी का बिल्ला ये सब, मेरा ग्रेस नीचे पड़ा हुआ है। उसको इधर आने देता हूँ। ओके अबे इधर आ घूम के, इसका रेंज बहुत है हरामी का पिल्ला ना, वहाँ पे करके इनकैंडेशन पड़ता है लेकिन मेरे को आके लग जाता है। देगा क्या झाट, ये क्या है भाई, ग्रेवल स्टोन भी ऐसे दे रहा है, लगता है मतलब कोई लेजेंडरी आर्मामेंट दे रहा है। मैं अभी मतलब कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं ग्रेवल स्टोन कहाँ काम आता है। जिस दिन मुझे पता चल गया उस दिन इतना कूदम कुदाई करना पड़ेगा। इधर ऊपर से अबे कूद ही नहीं पाया साला, पक ना भाई थोड़ा डिफिकल्ट होगा, देखता हूँ। बोला ना डिफिकल्ट होगा, मैं पार्कर नहीं कर पाता यार, मेरे से नहीं होता पार्कर, आई एम नॉट अ पार्कर गॉड, आई एम नथिंग। जस्ट नॉर्मल प्लेयर मैन, पहुंच गया। अबे ये फ्रॉम सॉफ्टवेयर भाई, तुम्हारा गार मारने के लिए हमेशा रेडी है भाई, वो एकदम मतलब सर्टिफाइड गार मारू गेम मेकर से भाई, कि तुम्हारा गांड तो फटेगा फटेगा। इधर मैं चढ़ के भी नहीं कर पाया, अभी यहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं, मेरे लिए वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला जंप था जिसमें पहुंच गया, जो कभी पहुंचता नहीं हूं मैं कहीं पे भी, वो मैं पहुंच गया इधर। ये वाला बहुत इजी है लेकिन ये वाला हार्ड है भाई, देख रहा हूँ, और थोड़ा देर से जंप करना पड़ेगा, मतलब तो बहन चौथ साउंड ऑडियो मदद चौथ के लिए मेरे को पूरा सब फैन ऑन ऑफ करके खेलना पड़ता है। अबे लौड़े मादर होल,
बुला नहीं पाता हूँ, आऊँगा इधर से। इधर से और कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा मेरे को। पता नहीं क्यों घोड़ा को नहीं बुला पाते यहाँ पे। चल के जाने में क्या मजा आया भाई। चला के ले जाने में कितना मजा आता है भाई, सोचो चला के ले जाएगा। मेरे को तो जाना है, मैप देख के भी झाट कुछ समझ में नहीं आता है भाई। ये जो ग्रेस है, इस ग्रेस से राइट आके सीधा, नहीं यार लिफ्ट यहाँ पे है, यहाँ पे लिफ्ट है, ये फोर्टिफाइड, सॉरी ये डिवाइन ब्रिज, यहाँ पे लिफ्ट है। तो मैं एक बार यहाँ चलता हूँ, 45 माइनस फर्स्ट फ्लोर। मुझे नहीं पता भाई, भाई छोटा सा मतलब झोंका भी नहीं आता हवा का इतना। अरे यहाँ पहुँच गया, मैं बोला था नहीं बाहर लेके जाएगा। के अंदर से मुझे नहीं पता है यार, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। इधर से शायद हो जाए, ये नीचे एक अर्थ ट्री था ना, पहले ही पिछले बार आए थे तो ये मैं लिफ्ट मतलब ये लीवर में पुल करना भूल गया था। से कुछ तो होता है। अच्छा इसके नीचे ही है दरवाजा, समझ में आया बाबू। ये था दरवाजा, इतना एग्रेसिव। भाई मेरे को और ट्री को मारने के लिए भाई एटलीस्ट हंड्रेड परसेंट अंदर और भी हरामी का पिल्ला रहेगा। यहाँ पे कुत्ते नहीं है फेमस सॉफ्ट, हाँ फ्रॉम सॉफ्टवेयर के ऐसे वाले कुत्ते। अरे वो गेट किधर है, मतलब लिफ्ट किधर है, इतना बड़ा जगह है ये।
का ये चीज लेने आया था मैं। तीन तीन हिट मारना पड़ रहा है। जो लोग कभी एक या दो हिट में मर जाते थे, वो ये तो पूरा शील्ड हाँ। अबे वहाँ पे कोई और भी है। ये देखो इसका रेंज बहुत ज्यादा है यार। आर्चर के पिल्ले मर गए। बाप रे बाप, कम हेल्थ में तो आना ही मत, इधर इधर आना ही मत, चोट के रख देगा एकदम, चोट के। मैं एकदम हार्श ट्रूथ बता रहा हूँ, चोट के रख देगा। अब मत आना या चोट जाओगे, चोट एकदम बंड फट के हाथ में आ जाएगी। बंड बंड समझ में आता है ना, बंड फट के हाथ में आ जाएगी। ओ भाई साहब, मेरे को मतलब मैं घूम घूम के इतना घूम लिया, लेकिन मेरे को वो गेट नहीं मिला। वो सचमुच मेरे को लगता है अभी उसके साथ फाइट करना पड़ेगा। ये ट्री यहीं पे, अबे यार मेरे पास घोड़ा रहे तो इसका मैं कब का चोट दूँ। घोड़ा नहीं है ना मेरे पास। एनिमेशन के बीच में नहीं मार पाएगा। अभी भी घोड़ा इस्तेमाल करने नहीं दे रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं नीचे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, मैं ऊपर जा रहा हूँ डायरेक्ट। इधर से जाता हूँ, यहाँ तो है ही भाई। नहीं रहेगा कोई तब ना आश्चर्य होगा कि भाई कोई नहीं है। ये तो एक बॉस जैसा है भाई। आजा तू ही आजा पहले।
अबे छोड़ छोड़ साला लोड़ी का बाल बैट मार। मैं पसीना पोंछ पोंछ के खेल रहा हूँ यार, मेरा मेहनत का कुछ तो ख्याल रखो। गया 1 लाख। कोई फायदा नहीं है यार। मार चोद रिकॉर्ड करने का टाइम तो दे। ऐसे नहीं खेल सकता, डर मरा है ऑडियो भाई, ऑडियो का मार लेके ऑडियो का मार चोप दो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ हुआ लाइटनिंग डैमेज, कहाँ वो कर पाया कुछ। मतलब तुम शांति से कभी कहीं पे भी रुक नहीं सकते हो। अरे कोई फायदा ही नहीं है वहां पे जाके, क्योंकि वो 1 लाख तो गया। ये ऊपर रहती है ना, इस बार एटलीस्ट ज्यादा हील्स है मेरे पास। जो देखो हाथ मारने आ जाता है यार।
लॉर्ड्स रून, तो क्या करूं मैं इस लॉर्ड्स रून का? क्या करूं मैं इस लॉर्ड्स रून का? ये तो वही जगह पहुंच गया मैं जहां से निकला था। मेरा 1 लाख तो वहीं पे खत्म हो गया क्योंकि मैं खुद के नीचे गिर गया ना। पता नहीं इधर क्या है। इधर तो कुछ है, ये वही लिफ्ट है। मिला लिफ्ट, देखता हूँ। लग रहा है मुझे ये वही लिफ्ट है क्योंकि इतना बड़ा जो साइज है इसका पता चलता है। कहीं और लेके आ गया यार, सामने बॉस फाइट दिखा रहा है। एग्जामिन सील, सील बाय मॉर्गोट द ग्रेस गिवन। ये कोई और ही जगह है यार, ये मॉर्गोट पे आ गया मैं, बहुत आगे आ गया मैं। डिवाइन ब्रिज से 45 मिनट फर्स्ट फ्लोर से देखता हूँ एक बार। यहीं से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता पता नहीं है भी कि नहीं। इधर से दोनों तरफ रास्ता है ना, उधर वाला रास्ता। कौन सा लिफ्ट है भाई? अबे इसने देख लिया। रास्ते पे ही रोक लेता है। भागो, कितना स्टैमिना है, सब स्टैमिना यहीं पे खर्चा कर दो। लेकिन भागो, आई फाउंड अनदर लिफ्ट एंड प्रोबेबली दिस इज द वन। सेम टू सेम है, ये भी बड़ा लिफ्ट है। शायद एक बार लिफ्ट ऊपर आने के बाद ये अभी भी काम नहीं कर रहा है।
लिफ्ट के साथ उसी का रिश्ता है, बाहर किसी लीवर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सही बात। तो मैं तो यही करने आया था। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर एक जगह था ना ड्रैगन का, सॉरी ट्री पकड़ के ऊपर, नीचे तो है ही बॉस, ऊपर भी देखना है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।